लल्ला कितना लाइक कंप्लीट कराना है बोलते जरा तो। 10,000 कौन कराएंगे? देखो दोस्तों हमारी मम्मी कितना अच्छे से मतलब ये पीस रही है, एक वो मिक्सर मशीन भी फेल हो जाएगा इसके आगे नम्मा। दोस्तों हमारा जो पकौड़ी छानने वाला वो झन्ना जो होता है ना, अभी ये देखो कैसा है, ये देखो ये टूट चुका है दोस्तों ना, ये इधर से देखो आप लोग। तो दोस्तों ये बेचारी बार बार देख रही है कब पकौड़ी तैयार होगा, ललचा रही हो। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का पकौड़ी देखो कितने अच्छे से उबल रहा, छन रहा है, मजा आ जाएगा आज दोस्तों पकौड़ी खाने में सच में। तो मैं इसको भी हाँ बढ़िया हाँ, देखो दोस्तों कितना लाल लाल कितना प्यारा प्यारा हम लोगों का ये पकौड़ी है गोभी का। मेरे प्यारे भाई और बहनों स्वागत आप सभी का एक नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है दोस्तों आप लोग एकदम मस्त होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और आप सभी को सबसे पहले सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों अभी देखो सुबह में कुछ इस तरह सा मौसम हो रखा है, थोड़े बहुत कोहरे हैं और थोड़े बहुत धूप है। लगभग दोस्तों 11 बजे के आसपास एकदम क्लियर धूप निकल जाएगा और आराम से हम अपनी जिंदगी में आज के दिन धूप का आनंद ले पाएंगे। क्या ही बोल रहा हूँ मैं, सच में दोस्तों इस समय ठंड में ना जब धूप निकल जाता भाई मजा आ जाता है। थोड़ी बहुत सुबह में ठंड वंड थी, हालांकि अभी ठंड थोड़ा बहुत कम हो चुका, काफी हद तक कम हो चुका है। ये रही दोस्तों हमारी आकृति और ये देखो क्या फंसी पड़ी है लल्ला। हाय बोल दे तो एक बार, हाय बोल दे हाथ से, ऐसे बोल हिला के हाथ से हाथ। गुड मॉर्निंग बोल दे लल्ला। भूख लगा आपको सच में, खाओगे मेरे साथ खाना? दोस्तों देखो इसको भूख भी लगी है तो अभी हम खाना खाएंगे और इसको खिलाएंगे, थोड़ी देर बाद दोस्तों खाएंगे, अभी 9 बज रहे हैं तो 9:30 बजे के आसपास हम लोग खाना खाएंगे। कार्टून देखोगी और चलते हैं अभी खाना खाने। यहाँ पर देखो हमारी भांजी भी आ चुकी है लल्ला, भूख लगी है सच में। दोस्तों अभी हम खाना लेकर आ चुके हैं और आज के खाने में है पूरी सब्जी और चावल। ये जो सब्जी है दोस्तों ये कल शाम को ही बच गया था तो इसको गर्म कर दिया मम्मी ने, तो मतलब ये खाने लायक हो गया। और इधर रहा पूरी, ये भी पूरी शाम का ही है और ये चावल गर्म गर्म है एकदम। और यहाँ पर देखो हमारी भांजी है लल्ला, भूख लगी है बहुत जोर की, इसको भूख भी लगी है और कार्टून भी देखोगी ना। तो दोस्तों देखो असली मकसद तो इसका कार्टून देखना है, खाना भी खाना है, मगर ये पता नहीं क्यों ना जब खाना बन जाता है हमारे यहाँ ना मतलब मेरे घर, तो कहती है मामा खाना बन गया, मामा खाना बन गया, ऐसा इसलिए कहती है ना क्योंकि मैं इसको कार्टून दिखाता हूँ ना, इसलिए दोस्तों ये बार बार परेशान करती है। कभी भी आ जाती है ना, रात को 9 बजे आ जाती है, कहती है मामा खाना हो गया, क्या कहती है लल्ला? कहती है खाना हो गया ना। तो अभी दोस्तों देखो खाना हम लेकर आ चुके हैं और अभी हम लोग खाते हैं पूरी सब्जी चावल। और दोस्तों देखो मेरे फोन में अभी चार्ज नहीं है क्योंकि दोस्तों रात को लाइट ही कट गया था, मतलब लाइट ही खराब हो चुका है हमारे यहाँ, तो अभी मेरे को जाना है चार्ज पर लगाने और जाऊंगा किसी दूसरे के यहाँ लगाऊंगा, भाई चार्ज करना जरूरी है। और ना दोस्तों फोन में 50% चार्ज है और चार्ज कम से कम, कार्टून नहीं दिखाऊंगा दिखाऊंगा लल्ला, कार्टून दिखाऊंगा टेंशन मत लो। तो अभी देखो दोस्तों ये जो 50% चार्ज है ना ये लगभग 1 घंटा चार्ज टिकेगा, ज्यादा नहीं टिकेगा। तो अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग अपना खाना खा लेते हैं लल्ला, चलो खाना खाते हैं ना। दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो चुका है। दोस्तों अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, मतलब शाम हो चुका है ऐसा आप समझ लो। और दोस्तों दिन में हम कुछ भी नहीं कर पाए थे क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ रात को लाइट खराब हो गई थी, जिस वजह से दोस्तों मोबाइल में चार्ज ही नहीं बचा था। तो हमने सोचा कि चलो चौराहे पर चलते हैं, दुकान पर कहीं पर भी चार्ज कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों फोन में काफी हद तक चार्ज हो चुका है, 90% चार्ज हो चुके हैं, क्या हुआ लल्ला? और दोस्तों देखो यार काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब काफ़ी टाइम क्या, काफ़ी महीने हो चुके हैं हमने पकौड़ी कोड़ी नहीं खाया ना, तो हम सोच रहे हैं कि पकौड़ी कोड़ी बनाया जाए, गोभी का पकौड़ी मजा आ जाएगा दोस्तों इस समय, मजा आ जाएगा ना लल्ला, गोभी का पकौड़ी खाओगी? सच में मजा आएगा, मेरी लल्ला गोभी का पकौड़ी खाएगी। और अभी मम्मी से कहते हैं कि चलो गोभी का पकौड़ी बनाया जाए, काफ़ी टाइम बाद मतलब महीनों बीत गए, पता नहीं कितने दिन हो चुके हैं, मेरे को खुद नहीं याद है दोस्तों कब हमारे घर पकौड़ी बना था। तो अभी मैं मम्मी से मतलब मम्मी ने, हम लोग दोस्तों अम्मा बोलते हैं तो दिखावे के लिए कुछ नहीं, हम लोग दोस्तों अम्मा बोलते हैं ना, तो अभी हम अपने अम्मा से कहते हैं कि गोभी का पकौड़ी बनाते क्योंकि दोस्तों बहुत मन कर रहा है खाने का। तो चलो अभी मम्मी से कहते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। दोस्तों ये रही हमारी मम्मी जी अम्मा। अच्छा कितना दिन हो गया होगा पकौड़ी वकौड़ी नहीं बना, बहुत टाइम हो गया होगा ना? 1 महीना। 1 महीना? 1 महीना कम से कम दोस्तों नहीं बना पकौड़ी। और गोभी का पकौड़ी कितना दिन हो गया होगा? बहुत दिन हो गया होगा ना? बहुत दिन हो गए, कम से कम 2-4 महीना। तो हम कहा कह रहे हैं ना कि चलो गोभी का पकौड़ी बनाए और खाए, चाय है, सुबह चाय था, सुबह वाला चाय है। तो हम कहा सोच रहे हैं ना कि चलो गोभी का पकौड़ी बनाए और चाय को गर्म कर देंगे और सुबह वाला जो चाय है उसको गर्म कर देंगे, उसके बाद खाएंगे उसके साथ, मजा आ जाएगा ना। तो चलो सब कुछ रेडी कर लेते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं ना जितना भी सब कुछ होता है गोभी वगैरह सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद आगे का सब कुछ करते हैं।
दोस्तों अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पर ये गोभी का मतलब है टुकड़ा टुकड़ा करके यहाँ पर देखो एक बर्तन में रख दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों हमने सोचा चलो ना आलू का भी बनाते हैं। यहाँ पर देखो ये हम लोग यहाँ पर चिप्स बोलते हैं इसको, और यहाँ पर मम्मी कुछ लाई है ये अदरक और ये मिर्ची। इसमें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये रहा बेसन भाई, बेसन है यार। तो दोस्तों यार हमारा बेसन और थोड़े बहुत सामान है जैसे मतलब कुछ मसाला वगैरह गोल्डी वगैरह और लहसुन वगैरह जो कुछ भी लगेंगे हम उसको भी इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो मम्मी ने मतलब आग भी जला दिया है, ये पानी गर्म कर रही है। तो अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना सारा सामान रेडी कर लेते हैं। इसको इस पर रख दोगे? हाँ रख दो रख दो रख दो। दोस्तों अभी देखो हम लोग ना ये गोभी जो है ना सबसे पहले इसको उबाल लेते हैं। दोस्तों अभी हमारी मम्मी जी ये इसमें धनिया है और मिर्च है और लहसुन है इसको पीसने जा रही है। इसे दोस्तों हम लोग सिल बोलते हैं और इसे लोढ़ा बोलते हैं। देखो दोस्तों हमारी मम्मी कितना अच्छे से मतलब ये पीस रही है। एक मिक्सर मशीन भी फेल हो जाएगा इसके आगे नम्मा। यहाँ पर दोस्तों देखो हम लोगों का ये मसाला भी रेडी हो चुका है जो कि दोस्तों हम लोग बेसन में मिलाने वाले हैं इसको। देखो दोस्तों विजय भाई कितना अच्छे से काट रहे हैं, ये देखो छोटा छोटा गिर रहा है। इससे दोस्तों कितना अच्छा रहता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ऐसे 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 ऊपर नीचे करते जाओ थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। और देखो कितना पतला पतला कितना प्यारा सा, हाँ कितना प्यारा सा दोस्तों। इसको तो खाने में और ही मजा आएगा, मतलब बहुत ही मजा आने वाला आज दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोगों का जो गोभी उबलने के लिए रखे थे ना, इधर देखो गोभी भी एकदम उबल चुका है। अम्मा एकदम अच्छे से हो गया ना, उबल गया ना एकदम। दोस्तों देखो हमारा गोभी एकदम अच्छे से उबल गया है। और दोस्तों इधर देखो हम लोग जा रहे हैं इसमें बेसन मिलाने मिक्स करने। इधर विजय भाई देखो दोस्तों उड़ेल रहे हैं ये बेसन को और इसमें दोस्तों ये सब मिक्स होगा। और इधर देखो दोस्तों हम लोगों ने जो बेसन है ना इसमें दोस्तों सब कुछ मिक्स कर लिया है, मतलब थोड़ा बहुत सोडा हमने मिक्स किया है, मतलब दोस्तों इसमें जो कुछ भी मिक्स करना था सारा कुछ हमने मिक्स कर लिया। विजय भाई ये भी मिक्स कर दो अभी। ठीक है भाई कर देता हूं। इधर दोस्तों इसमें ये विजय भाई ने मिक्स कर दिया दोस्तों और काफी ज्यादा मजा आएगा दोस्तों आज के पकौड़ी को खाने में। ये देखो दोस्तों इतना अच्छा मगन है ये, मतलब बहुत खुश है। दोस्तों ये बेचारी बार बार देख रही है कब पकौड़ी तैयार होगा। ललचा रही हो? ललचाएगी तू पछताएगी तू। पकौड़ी खाओगी? अभी पकौड़ी देखो तैयार हो रहा है। इधर दोस्तों देखो मम्मी ने कढ़ाई भी रख दिया है और ये तेल है दोस्तों जो उस दिन हम लोग लाए थे तेल ना, तो तेल बच गया था तो इधर मम्मी इसमें तेल भी डालने जा रही है। ये देखो दोस्तों हम लोगों का आग कितने अच्छे से जल रहा है। थोड़ी देर बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों हम लोगों का पकौड़ी भी हो जाएगा। और दोस्तों अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं तो थोड़ी देर में दोस्तों अंधेरा भी हो जाता है, लगभग 5 बजे के आसपास दोस्तों अंधेरा हो जाता है। तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं ना जल्दी जल्दी बनाते हैं ताकि दोस्तों शाम होने से पहले मतलब हम लोगों का पकौड़ी बन जाए, वरना दोस्तों वीडियो बहुत ही गंदा दिखता है शाम को दोस्तों। फोन का मतलब थोड़ा सा कैमरा अच्छा नहीं होता ना। तो इधर देखो दोस्तों मम्मी तेल मिला रही है, ये देखो तेल कैसे जम गया ठंड की वजह से। दोस्तों हमारा जो पकौड़ी छानने वाला वो झरना जो होता है ना अभी, ये देखो कैसा है, ये देखो ये टूट चुका है दोस्तों ना, ये इधर से देखो आप लोग। तो इधर देखो ये छोटे लाल जो हमारा भाई ये इसमें बांध रहा है ताकि दोस्तों हम लोगों को पकौड़ी छन जाए। और दोस्तों इधर देखो तेल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है नम्मा, दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका तेल और थोड़ा बहुत मतलब जल भी रहा है, मतलब वो दिक्कत हो रहा है दोस्तों। और इधर देखो दोस्तों सब कुछ रेडी है पकौड़ी छानने के लिए। चलो दोस्तों अभी हम लोग इधर अपना पकौड़ी छानते हैं। विजय भाई इधर देखो दोस्तों विजय भाई पकौड़ी छान रहे हैं और इधर हमारी मम्मी है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हम लोगों का पकौड़ी कितने अच्छे से छन रहा है। एक हमने दोस्तों ये गोभी वाला पकौड़ी सबसे पहले बना रहे हैं, आलू वाला भी थोड़ी देर बाद बनाएंगे। ललचा रही हो? ये गुस्सा करेगी, मैं नहीं ललचा रही हूँ। पकौड़ी खाना कि नहीं है बताओ? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना लल्ला। इधर देखो दोस्तों ये हम लोगों का पकौड़ी, यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का पकौड़ी देखो कितने अच्छे से उबल रहा छन रहा है। तो इधर हम लोगों का झन्नी भी रेडी हो चुका है ये पकौड़ी छानने वाला। और दोस्तों इधर हम लोगों का पकौड़ी भी रेडी हो चुका है, पहला छान निकालने जा रही मम्मी तो मैं इसको भी। हाँ बढ़िया। हाँ देखो दोस्तों कितना लाल लाल कितना प्यारा प्यारा हम लोगों का ये पकौड़ी है गोभी का। इसको भी डाल दो विजय भाई, इसको भी हम लोग डाल देते हैं दोस्तों। और दोस्तों थोड़ी देर बाद हम लोगों का ये पूरा पकौड़ी एकदम बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों हम लोगों का ये दूसरा छान है पकौड़ी का। और यहाँ पर देखो विजय भाई कितना प्यार से कितने अच्छे से पकौड़ी छान रहे हैं दोस्तों। इधर हमारा पकौड़ी ये पहला छान रेडी हो चुका है। और यहाँ पर देखो दोस्तों ये पहुँच चुकी है कटोरा लेके। पकौड़ी चाहिए लल्ला? कितना चाहिए, एक की दो की तीन? तीन चाहिए कि पाँच चाहिए कि दस चाहिए? एक इसको एक पकौड़ी चाहिए दोस्तों, इसको दे देते हैं। एक चाहिए ना कि और चाहिए? दो चाहिए, दो दे देते हैं दोस्तों। इसको हम लोग दो पकौड़ी दे देते हैं। जा और खा, पहले इधर आओ इधर आओ इधर आओ, खा के बताओ ना कैसा लग रहा है, खा के बताओ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है इसमें देख के बताओ। अच्छा है, बोलो बोलो अच्छा कि नहीं। ला 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 फूंक के खिला देते हैं तुमको ना, इसको फूक फूक के खिला देते हैं दोस्तों। थोड़ा बहुत जल रहा है ये, गरम गरम है बहुत ना। ये लो खाओ, आप खाओ, देखो जल रहा है कि नहीं।
यहाँ पर दोस्तों देखो मम्मी ने आलू का पकौड़ी देखो उतार दिया है, थाली में रख दिया है। और यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ इस तरह से आलू का पकौड़ी हम लोगों का लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है खाने में। सच में दोस्तों मज़ा आने वाला है दोस्तों, आज हम लोगों का मूड एकदम बन जाएगा। आज दोस्तों एकदम मुँह टेस्टी टेस्टी हो जाएगा, मतलब दोस्तों मुँह टेस्ट से ही भर जाएगा। दोस्तों अभी हम लोगों का आलू का पकौड़ी और गोभी का पकौड़ी दोनों बन गया है। ये रहा दोस्तों हम लोगों का, ऊपर है दोस्तों गोभी का पकौड़ी और नीचे दोस्तों देखो इधर है आलू का पकौड़ी और इधर भी रहा आलू का पकौड़ी। और दोस्तों जब हम लोग ये आलू का पकौड़ी और गोभी का पकौड़ी बना रहे थे ना, आधा भाई वैसे ही खत्म हो गया, मतलब उधर बन रहा था इधर खा रहे थे विजय भाई। हाँ भाई सही कह रहे हो, सच में दोस्तों इतना मजा आ रहा था ना कि हम लोग बैठ ही नहीं किए, मतलब क्या ही बोले, उसके पहले हम लोग खा लिए, बनने से पहले ही आधा खत्म हो चुका सच में दोस्तों। और यहाँ पर देखो दोस्तों हम लोगों का ये देखो चाय वाय भी एकदम गर्म हो चुका है। इधर देखो दोस्तों इधर 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 चाय वाय गर्म हो चुका है। अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, इसको खाते हैं और अम्मा को मतलब अभी खाना माना भी बनाना है, तो अम्मा अभी खाकर बताओ कैसा लग रहा है। ये खाओ, ये खाकर बताओ, देखते हैं अम्मा को कैसा लगता है। वैसे अच्छा लगेगा दोस्तों, अम्मा बनने से पहले ही खत्म हो गया ना आधा, खत्म हो गया। मम्मी कह रही आधा से ज्यादा खत्म हो गया बनते बनते ही। और यहाँ पर देखो मम्मी सब कुछ साफ वगैरह कर रही है। और देखो दोस्तों मम्मी को थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, मतलब खाना भी बनाना है, और इतने से थोड़ा ना घर वालों को पेट भर जाएगा अभी। मतलब ये तो हम लोगों ने ऐसे ही बना लिया दोपहर का खाना बनाने के लिए, मतलब दोपहर का पेट भरने के लिए। लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा शाम हो चुका है, अभी देखो दोस्तों शाम के लगभग 4 बज रहे हैं, मतलब लगभग 5 बज रहे हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का इधर चाय भी गर्म है और इधर देखो चाय वाय सब गर्म है। और दोस्तों हम लोग पकौड़ी भी खा लेते हैं, वरना दोस्तों हम लोगों का पकौड़ी भी ठंडा हो जाएगा तो खाने में मजा नहीं आएगा। तो भी हम लोग क्या करते हैं, गर्मा गर्म पकौड़ी गर्मा गर्म चाय खाते हैं। चलो भाई देखते हैं खाते हैं कैसा लगता है दोस्तों। सब लोग भाई भिड़ जाओ, बताना कैसा है। हाँ 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 एक नंबर भाई, कैसा मुझ अच्छा दोस्तों, बहुत मजा आ रहा सच में, गर्मा गर्म पकौड़ी और दोस्तों गर्मा गर्म चाय, मजा आ रहा विजय भाई। अरे भाई बहुत मजा आ रहा है खाने में। अभी दोस्तों हम लोग खाने का मजा देखते हैं। तो दोस्तों आज जो कुछ भी बना था, आलू की पकौड़ी गोभी की पकौड़ी, उसके साथ दोस्तों गर्मा गर्म चाय, काफी ज्यादा मजा आया खाने में पीने में। अच्छा लगा, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा? हाँ। सच में इधर देखो दोस्तों अरुषी आ चुकी है। अरुषी पकौड़ी खाई कि नहीं खाई, खा रही हो, कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा। सच में? हाँ। अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देखो हम लोग लगभग 3-4 पता नहीं दोस्तों, हम लोगों को याद भी नहीं है कि कितना महीने बाद हम लोग गोभी की पकौड़ी खाए हैं। तो चलिए भाई लोग आप लोगों से मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज दोस्तों इस ब्लॉग को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाला लाइक करने के लिए बोल दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए भाई लोग आप लोगों से मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। बाय 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 कर दो, मेरा वाला भी, मेरा वाला भी बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय दोस्तों। लल्ला कितना लाइक कंप्लीट कराना है बोलते जा रहा, तो 10,000 कौन कराएंगे।